मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। अपने शरीर का सम्मान करें, यह एकमात्र ऐसा है जिसे आप प्राप्त करते हैं। नतीजे प्राप्त करना आसान तो नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। कल्पना की शक्ति हमें अनंत बनाती है, हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। स्वास्थ्य परिश्रम में है और मेहनत के अलावा वहां तक पहुंचने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। मंजिल सिर्फ सोचने से नहीं मिला करती, उसके लिए काम करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुरली कृष्ण बैरागी और आप सुन रहे हैं मुझे हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मुरली के बैरागी पर। यार, बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि कुछ नया किया जाए, कुछ रूटीन को सिस्टमेटिक किया जाए। ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में काफ़ी हेक्टिक रूटीन सा हो रखा था, चाहे वो आप लोगों का हो या फिर हमारा हो। एज ए स्टूडेंट आपका रूटीन भी काफ़ी हेक्टिक है और एज ए टीचर भी हमारा रूटीन भी काफ़ी हेक्टिक था। तो कई बार चाहते थे कि हाँ थोड़ा सा आज स्टार्ट करेंगे, आज से शुरू करते, बट हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली गाइज, आज हमने शुरू किया हमारा पहला वर्कआउट सेशन। तो आज मैं जिम गया था, वहाँ पे मैंने वर्कआउट रूटीन स्टार्ट किया है और एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि आप लोग भी उसको देखकर मोटिवेट हो सकें और आप लोग भी अगर मेरी तरह इतने दिनों से सोच रहे थे तो आप भी स्टार्ट कर सकें एक छोटा सा प्यारा सा वर्कआउट रूटीन डेली बेसिस पर आधे से एक घंटे का। कोरोना के दौरान ना बहुत ऐसी दिक्कतें आ रही थी, मतलब बहुत तरीके से अपन अनफिट से हो रहे थे ना, गोल मोल से भालू से हो रखे थे। नहीं बताओ, सच सच हो रखे थे या नहीं हो रखे थे? तो हाँ, वही काफ़ी कुछ मैंने कल मेरा एक स्टूडेंट मुझे मिला था तो बोला सर आपके जो पहले वाली फोटोज और अभी जो फोटोज में काफ़ी डिफरेंस आ गया। मैंने कहा सही बोल रहा है यार, भालू सा हो गया मैं तो तो वही वाली बात थी। तो मुझे लगा नहीं यार, स्टार्ट करना चाहिए, अब तो बच्चे भी बोल रहे हैं अब तो शुरू करेंगे भाई साहब, ना समझ रहे हो ना तुम। तो हाँ, बस स्टार्ट किया है और आप लोग एक छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आप लोग भी इसको देखकर मोटिवेट हो सके। आई होप कि सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।